आत्मा और शरीर में अंतर क्या है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं कि ये वो सब हमारा दिमाग कर रहा है या हमारी आत्मा। आजकल के स्पिरिचुअल गुरुओं ने शरीर और मन और भगवान और आत्मा के बीच में इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि एक नॉर्मल सा इंसान जो स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना चाहता है उसके लिए बहुत कठिन बन गया है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में इतना कठिन है स्पिरिचुअल लाइफ जीना, या फिर हमारे दिमाग में स्पिरिचुअल गुरुओं ने ऐसे डाल दिया। देखो, माया सब कुछ है। मन से बनी हुई समस्त वस्तुएं माया के अंतर्गत आती हैं। जो भी इंसान बनाता है वो सब माया के अंतर्गत आती हैं। हमने आज चांद पर कदम रख दिया है, बहुत तकनीकियां लाई हैं, टेक्नोलॉजी में हमने विकास किया है, लेकिन ये सब माया के अंतर्गत आती हैं। इसमें आत्मा का कोई खास लेन देन नहीं है, ना इनसे कोई वास्ता है। आत्मा एक अलग तरह का गुण है। आत्मा के गुण बहुत ही निराले हैं। आत्मा के जो गुण हैं, अगर उस पर इंसान जिए तो पूरी जिंदगी वो सुकून भरी जिंदगी जी सकता है। चलो हम इस पर हम बताते हैं। आत्मा इंसान तब पहचान सकता है जब वह चुप रहता है। बेसिक शरीर होता है, शरीर कब हमें लगता है कि हमारा शरीर हष्टपुष्ट तंदुरुस्त है? जब हम प्रकृति से बनी हुई उत्पन्न हुई चीज़ों को हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट, तरह तरह की जो फिजिकल वस्तुएं हैं जब हम खाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी शरीर है, इसमें जान है और ये ताकतवर है, हमें महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऐसी चीज़ें ना खाएं तो शायद हम इससे बहुत दूर हो जाएंगे, हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि हमारी शरीर है, शायद बीमार हो जाए। ये तो शरीर की बात हो गई। दूसरी तरफ जो मन है, यानी कि दिमाग, जिसे माया कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया में आज सब कुछ बनाया है, उसका भोजन है अच्छी किताबें, अच्छे वीडियो, अच्छे लेक्चर्स, अभी जो आप सुन रहे हो, ये फैक्ट के आधार पर चीज़ों को पहचानता है। ये एक दूसरे से हमेशा कंपैरिजन करता रहता है। अगर प्रकाश की हम बात करते हैं तो ये अंधेरे के बारे में सोच लेता है। अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो ये फेलियर के बारे में सोच लेता है। अगर हम दुख की बात करते हैं तो ये सुख के बारे में सोच लेता है। अगर हम निराशा की बात करते हैं तो ये आशा के बारे में सोच लेता है। अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो ये आलस के बारे में सोच लेता है। तो ऐसे ही इसका भोजन है हेल्दी फूड, जो कि किताबों से वगैरह से मिलता रहता है। जब हेल्दी फूड मिलता है, किताबों से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इस पे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, वृद्धि होती है। और जब वृद्धि होती है तो उसी के आधार पर इंसान नए नए निर्माण करता है, नए नए टेक्नोलॉजी लाता है, नए नए चीज़ों का इन्वेंशन करता है। उससे जो शरीर है, जो शरीर के सुख हैं, वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि माया के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्त सुख नाशवान होते हैं। इंसान कुछ भी बना ले, बनाएगा तो दिमाग से ही, और दिमाग ही माया है, तो माया के अधीन जो भी वस्तुएं आ रही हैं वो भी सब नाशवान ही। हमें किसी ने बनाया है, हम भी किसी की परिकल्पना है, हमारा शरीर भी किसी की इच्छा के अनुसार ही उत्पन्न हुआ है, तो हमारा शरीर भी माया के अधीन आता है, इसीलिए ये भी नाशवान है। एक ना एक दिन इसका भी अंत हो जाएगा। और हम अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन भर के कुछ भी बना लें, वो सब नाशवान है, वो सब नष्ट हो जाएंगे।
तो शरीर का भोजन खाद्य पदार्थों से होता है और हमारे दिमाग का अच्छी इन्फॉर्मेशन से। वैसे ही आत्मा का भोजन शांति योग है। आत्मा कुछ नहीं चाहती है, न हंसना, न रोना, न बोलना, न टहलना, कुछ नहीं। हम जितना ज़्यादा साइलेंस रहेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, हम ये समझ लो कि आत्मा को जी रहे हैं, आत्मा पे ही। जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से हमें अशांत करता जाता है, क्योंकि उससे समस्त शक्तियाँ छीड़ हो रही हैं। क्योंकि दिमाग की जो भोजन लाने वाली सेनाएं हैं, जो पांच इंद्रियां हैं, वो शांत होने शुरू हो जाती हैं। तो मान लो आपके घर में कोई नौकर हो, पांच नौकर हो, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा हो, किसी से कहा आप पानी ले आओ, सिर्फ इच्छा बताने की ज़रूरत है, किसी से कहा जाओ 20 किलोमीटर से आप हमारे लिए भोजन ले आओ, किसी से कहा जाओ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर वासना से मिलकर आओ, वासना सेक्स, तरह तरह की भोग विलास चीज़ों को ले आओ। तो ये पांचों सेनाएं बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और इलाके देती हैं। तो अचानक कोई आए और आपको चुप करा दे, इन समस्त सेनाओं को शांत करा दे, अब आपको कैसा लगेगा? आप पागल हो जाओगे, फाइट करोगे कि आपने मेरे सैनिक को क्यों मार दिया, क्योंकि वो आपको सुख देते थे। तो इसी तरह से दिमाग है कि वो सब सुख देते हैं, जो इंद्रियां हैं वो दिमाग को बड़ा ही आनंद देती है, वो इसीलिए वो हमेशा इंद्रियों को काम पे लगाए रखता है। आपने देखा होगा कि जब आप बैठते हैं तो आपकी इंद्रियां कुछ ना कुछ करती रहती हैं, चाहे आपका हाथ चल रहा हो, पैर चल रहा हो, या फिर आप जो है देख रहे हो कुछ, या कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो। दिमाग इंद्रियों को शांत बैठने नहीं देता, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा भोगा गया सुख ही उसका भोजन होता है। तो ऐसे में जब ध्यान की मुद्रा में कोई बैठता है कि अपने आत्मा को तीव्रवान करता है, तो दिमाग को बड़ी उलझन होती। तो दिमाग का भोजन तो आपने समझा कि इंद्रियों से तो उत्पन्न होता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हम हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसका एकमात्र भोजन है ध्यान। जैसे हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, तैसे हम अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त होने की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रियां बहुत ज़्यादा दूर तक पीछा नहीं करती हैं, ये कुछ दूर के बाद ये इंद्रियां शांत हो जाती हैं। हम शांत में बैठते हैं तो हमारी त्वचा स्किन यानी शांत हो जाती है। आँख भी हम बंद करते हैं तो आँख जो बाहर से इनपुट आ रहे हैं वो भी बंद हो जाते हैं। कान धीरे धीरे, जैसे हम थर्ड आईज पे फोकस करते हैं, बाहर कुछ भी बज रहा हो सुनाना बंद हो जाता है। जीभ पहले से ही शांत है, तो इस तरह से चीज़ें शांत हो जाती। लेकिन माइंड शांत नहीं होता, क्योंकि उसको शांत होने में थोड़ा वक्त लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में कुछ ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी ये शांत हो जाता है और उसके बाद हम परम शांति की दशा में पहुंच जाते हैं, जो हालात भगवान बुद्ध का हुआ था, जब वो कई वर्ष तक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, जो गया में है, बनारस में कभी आप जाएं तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। वो बनारस में जिन्होंने पहला उद्देश्य वहाँ पे दिए थे, बाकी गया में ही बिहार में है, वहाँ कभी विजिट। तो यहाँ पे जब वो ध्यान में बैठे तो धीरे धीरे ये सब शरीर तो आपका जो है बहुत ही लिमिट है, ये बहुत दूर तक किसी चीज़ का पीछा नहीं करता है, तो ध्यान का भी पीछा बहुत देर तक नहीं कर पाता है, ये शांत सा हो जाता है। उसके बाद जो सुख जो शांति मिलता है वही आत्मा का गुण है, और उसके बाद निकलता है हमारे अंदर से दया, प्रेम, करुणा, संतोष, ये सारी चीज़ें निकलती हैं।
आत्मा से। तो जब हम अपने पर्सनल लाइफ में जब इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, प्रेम, प्रेम आत्मा का अपना गुण है, आत्मा ही उत्पन्न करती है प्रेम को। प्रेम करना ये दिमाग का काम नहीं, दिमाग का काम है सिर्फ भोग करना, वासना को भोगना, समस्त चीज़ों को भोगना। लेकिन प्रेम ये आत्मा का गुण है, ये आत्मा उत्पन्न करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप अपने अपोजिट जेंडर से अगर बात कर रही हैं, आप किसी से 1 घंटे 2 घंटे, अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़की से आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे आप बात कर लें, आप 2-4 दिन में भूल जाएंगे, 10 दिन में भूल जाएंगे आपने क्या बात किया था। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम साइलेंस नहीं होते, और जब जब भी हम शांत नहीं होते तो हम दिमाग पे जी रहे होते हैं, और दिमाग हमेशा भोग चाहता है, उसको बहुत ही रस मिलता है बात करने में। लेकिन धीरे धीरे जब उसे नहीं मिलता, आज नहीं मिला, आज मिला समझो, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, 10 दिन बाद नहीं मिला, 20 दिन बाद नहीं मिला, वो चीज़ों को भूल जाता है, वो याद रख नहीं पाता है कि 1 महीने पहले मैंने कितना देर किससे बात किया था और क्या फील किया था, ये सब नहीं याद कर पाते, क्योंकि वो आत्मा का गुण है ही नहीं, प्रेम आत्मा का गुण नहीं है, इसीलिए वो नहीं कर पाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप किसी अपोजिट जेंडर को आप 10 मिनट भी बैठ के सिर्फ एक टक आप देख लें, आप यकीन माने आपने महसूस किया होगा कि आप उसे सालों साल नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो जो जिस वक्त आप देख रहे थे उस वक्त आप बड़े ही शांत थे और सामने वाला भी शांत था, यानी कि उस वक्त आपके शरीर में जो आत्मा थी और सामने वाले के जो शरीर में आत्मा थी, उन दोनों का गुण जो प्रेम है वो उत्पन्न हो रहा था। और दिमाग एक संग्रहालय है, उस इमोशन को आत्मा आज्ञा देती है कि जो भी गुण निकलते हैं आत्मा से उसे संग्रहित करके रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो स्थिति अगर आपके साथ हुई होगी तो आप आज भी नहीं भूल पाए होंगे, फिर चाहे 5 साल हो गया हो, 10 साल हो गया हो, या 20 साल हो गया हो, या फिर बहुत वक्त हो गया हो, वो आपके ऊपर है। तो प्रेम अगर हम कहते हैं हम किसी से करते हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इंद्रियां उससे पहले आ जाती हैं, दिमाग भाव भी हो जाता है और वो वासना ढूंढने लगता है। जब हमें वासना किसी इंसान में नहीं मिलती तो उसको बेकार समझ लेता है कि नहीं ये बेकार है ज़्यादा, क्योंकि दिमाग का ज़्यादातर जो फैसले लेती हैं वो इंद्रियां लेती हैं, आँखें, कान, नाक, त्वचा, ये सब लेती रहती है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान नहीं अच्छा लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके उसमें प्रेम नहीं है, या फिर आप उससे आगे चल के प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, इंद्रियां भोग करना चाहती हैं, वो आँखों से भी भोग कर रही हैं और उसे आँखों से भोग करने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, बैठ के कुछ देर ध्यान से उस इंसान को देखें, वो भी इंसान देखे आपको, यकीन मानो धीरे 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 करके उससे प्रेम उत्पन्न ही हो जाता है। तो ये पहला गुण है जो आत्मा के द्वारा होता है। किसी इंसान को या फिर किसी भी रिश्ते को अगर आप चाहते हैं कि बहुत लंबा चले, तो जितना ज़्यादा शांत साइलेंस दोनों के बीच में रहेगा, लंबा उतना ही चलेगा रिश्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि जिन कपल्स में बहुत बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आज तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बातें करते रहते हैं, उनका प्रेम ज़्यादा दिन चलता नहीं है। उसके पीछे की वजह क्या होती है? इंद्रियां, इंद्रियां भोग करते करते धीरे धीरे थक जाती हैं और वो नया चाहती हैं। लेकिन जिन लोगों के बीच में बातें कम होती हैं, उनका प्रेम आपने देखा होगा सालों साल चलता रहता है, क्योंकि वो आत्मा से उत्पन्न होता है। और आत्मा से उत्पन्न हुआ प्रेम बहुत दिनों तक चलता है, क्योंकि प्रेम के अलावा और कुछ
है ही नहीं। ये तो पहला गुण है जो आप समझ सकते हो। अगर आप किसी को, किसी भी वस्तु को आप ध्यान से देख रहे हो, किसी भी इंसान से आप बातें कम लेकिन उस पर गौर ज़्यादा कर रहे हो, वो भी आप पे गौर कर रहा है, तो आज नहीं तो कल प्रेम हो ही जाएगा, क्योंकि आप आत्मा के गुण पे जी रहे। तो पहला अंतर दिमाग और इसके बीच में, आत्मा के बीच में। दूसरा जो गुण होता है वो होता है दया। आपने देखा होगा कि आज दुनिया इतना ज़्यादा स्वार्थी क्यों हो गई, क्योंकि इंद्रियां ज़्यादा ताकतवर हो गई। दिमाग इंद्रियों को भोग करा करा के इन्हें इतना ताकतवर बना दे रहा है कि वो स्वयं कमज़ोर हो जा रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत ही ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति का है। ये अपने पांचों सेनाओं से बहुत मेहनत कराता है और पांचों सेनाएं ये धीरे धीरे इतना ताकतवर हो जा रही हैं कि अपने मालिक को ही ख़त्म कर दे रही। आपने देखा होगा कि लोग इतनी ज़्यादा आजकल फोन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या वो कंट्रोल रख पाते हैं अपने दिमाग पे? नहीं, क्योंकि लगातार हम इंद्रियों को भोजन कराते 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 इतना ताकतवर हो गई। मान लो आपके घर में कोई दुबला पतला नौकर रहता, उस शुरू में आपके घर में ज्वाइन किया तो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे आपने उसे खाना खिलाया, आपने उसे तरह तरह की पौष्टिक आहार कराए, अब क्या होगा, आपके घर का धीरे धीरे अन्न खत्म हो जा रहा है, लेकिन वो ताकतवर हो जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो नौकर मालिक बन जाएगा और आप मालिक होकर नौकर बन जाएंगे। यही हालात आज दिमाग का है कि इंद्रियां मालिक बनती जा रही हैं और जो मालिक है वो नौकर बनता जा रहा है। तो अगर दया नहीं है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस दुनिया में जीना, क्योंकि बिना दयावान व्यक्ति, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है, वो किसी काम का नहीं, वो एक पत्थर की तरह होता है, वो एक रोबोट की तरह होता है, उसकी जिंदगी एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं होती। वो सुबह उठता है, काम करता है, दिन भर काम करता है, शाम को आता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठता है, काम करता है। अगर दया करुणा करे तो उसके आसपास इस दुनिया में बहुत लोग तकलीफ में हैं, उनको तकलीफ में देखकर एक दयावान व्यक्ति को रहा नहीं जाता है और उससे संबंधित वो उपाय खोजेगा कि उनको कैसे सुख प्रदान किया जाए, उनको कैसे समस्याओं से निकाला जाए। और जब वो ऐसा सोचेगा तो तरह तरह के बिजनेसेस का, तरह तरह की कंपनियों का निर्माण करेगा, ताकि चल करके जो लोग मुसीबत में फंसे हैं उनको निकाला जाए, तरह तरह की नए नए प्रोडक्ट बनाएगा, नए नए चीज़ों का इन्वेंशन करेगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सेल्फ मेड मिलेनियर हैं, जो बने हैं, चाहे स्टीव जॉब्स हो गए, बिल गेट्स हो गए, या फिर और अन्य हो गए, धीरू भाई हो गए, इनके मन में बहुत ही दया और करुणा थी। इन्होंने देखा कि समाज का बहुत ही एक वर्ग जो तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, निर्माण किया, नए नए तरह के, देखा कि लोगों के घरों में बहुत ही ज़्यादा तकनीकी उपकरण नहीं है, तो उन्होंने कंप्यूटर बना दिया। उसके बाद में बिल गेट्स ने देखा कि लोगों के घरों में तो कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है जिसको ऑपरेट किया जा सके, जिसको चलाया जा सके बड़ी ही आसानी से। उन्होंने विंडो का निर्माण कर दिया, अब लाखों लोगों की जिंदगियां उससे प्रभावित हुई, बच गई। ऐसे कर करके दुनिया के तमाम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी और सबका आविष्कार किया। ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जब इंसान के शरीर में करुणा दया होती है किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी इंसान के प्रति जो मुसीबतों में है उसके प्रति, तो ये दो गुण अगर इंसान के अंदर हैं, प्रेम और दया,
तो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में और लोगों का भी जिंदगी बचा सकता है, भला कर सकता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मा और दिमाग के बीच में हमेशा जो द्वंद्व होता है उससे बचें, तो आप ध्यान की स्थिति में कम से कम एक घंटा बैठें, कुछ मत करें। आत्मा के लिए कुछ करना आवश्यक नहीं है, आत्मा पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, उसको और कुछ दे करके किसी तरह से रटवा करके कोई जॉब करके उसकी जरूरत नहीं है। बस आप शांति से बैठ जाओ, किसी अच्छे स्थान पे बैठ सकते हैं, वो जंगल भी हो सकता है, वो मंदिर भी हो सकता है, कहीं भी आप बैठ करके कम से कम एक घंटे आप ध्यान करें। जब आप ध्यान करेंगे तो ये समस्त गुण ऑटोमेटिकली उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, और जब ये गुण उत्पन्न होगे तो दिमाग जो आप पे हॉबी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उसका कंट्रोल आपकी ज़िंदगी से कम होता जाएगा, और वो चीज़ें समस्त चीज़ें आप जो पाना चाहते हैं वो आप बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगी में हासिल करते चले जाएंगे। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ज़िंदगी के लिए वो है सुकून। और सुकून यकीन मानिए सुकून आत्मा का गुण है, वो दिमाग का गुण नहीं है। आप दिमाग से कोई भी चीज़ें बना लो, कोई भी चीज़ें उत्पन्न कर लो, कुछ भी ला लो, कुछ भी भोग लो, उससे शांति नहीं मिलने वाली, खुशी मिल जाएगी, शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि शांत ये आत्मा का गुण है। तो शांत रखने के लिए दिमाग को जिस तरह से आप किताबें पढ़ के तरह तरह की चीज़ों से ताकतवर बनाते हैं, उसी तरह से आत्मा को भी ताकतवर बनाएं सिर्फ शांत रह करके। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही भव्य तरह से परिवर्तन हो रहा है, और आप चौंक जाएंगे कि आप पहले से कितना बदल गए हैं। जब ध्यान में इंसान जाता है तो दया, प्रेम, करुणा, संतोष ये सब उत्पन्न होता है, क्योंकि ध्यान ही तो आत्मा का भोजन है। उसी तरह से जब इंसान दिमाग को भोजन देता है इन्फॉर्मेशन के द्वारा, बुकों के द्वारा, अनाप शनाप गलत चीज़ों के द्वारा, तो उससे उत्पन्न होता है काम, क्रोध, मोह, मत्स, लोभ, अहंकार, ये सब उत्पन्न होता है। कोई कहता है कि बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा करना वो आत्मा का गुण नहीं है, ये दिमाग का गुण है। क्रोध, अहंकार, ये सब आत्मा के गुण नहीं, ये सब दिमाग के गुण है। जैसे ही आप शांति में बैठेंगे ये सब चीजें ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी शरीर से, और पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप एक परिवर्तन अनुभव करेंगे अपने शरीर में, और जब परिवर्तन अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे जैसे आपके शरीर में करुणा उत्पन्न होगी, दया उत्पन्न होगी, वैसे वैसे आप अपने आसपास लोगों को मुसीबत में फंसे हुए देखेंगे, ना चाहकर भी आप उनके लिए उपाय खोजेंगे कि वो कैसे आगे निकले। और जब लोगों के लिए उपाय खोजेंगे तो उसके बदले लोग आपको पैसे देंगे, आपको सम्मान देंगे, आपका साथ देंगे। आप नज़र उठा के देखो किसी भी इंसान को, किसी भी बिजनेसमैन, किसी को भी, वो ऐसा ही करता है। तो आप ध्यान में बैठना शुरू करें, समय कोई भी हो, जब भी आपको समय मिले। कोई ऐसा नहीं है किसी आप सुबह उठें, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। रात में करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि रातें जो होती हैं वो बड़ी ही शांत होती हैं, और योगी और भोगी दोनों रात में ही जाकर चीज़ों को पाते हैं। भोगी वो होता है जो दिमाग के बेस पे काम करता है, जो दिमाग के द्वारा वासना हो, कोई खाना पीना हो, पार्टी हो, वो उसी में लिप्त रहता है।
और जो योगी होता है वो ध्यान करता है, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाता है। तो आप रात में भी कर सकते हैं, आप करेंगे यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर बनती जाएगी। फिर आप वापस आना और बताना हमें कि आपकी ज़िंदगी में 21 दिन बाद कोई परिवर्तन हुआ या नहीं।